गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल एवरीवन। की हाल चाल जी सारिया का? आई होप तुसी सारे ठीक होंगे। तो जिंदगी दे विच जो भी तुसी अपने एम रखे आ उन्हों अचीव करने वास्ते दिन रात एक करते होंगे। मैं हरदीप सिंह ताडा ICE अकैडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हाँ। अज की वीडियो दे विच असी टॉपिक कवर करांगे करंट अफेयर्स। जिवें कि तुहानू पता करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ज़्यादा। किसी भी एग्जाम को क्रैक करना ना करंट अफेयर तो बिना तुसी नहीं कर सकते, कदे भी नहीं कर सकते। कोई भी तुसी एग्जाम क्रैक करना, चाहे सेंटर लैवल का चाहे स्टेट लैवल का, तुहानू करंट अफेयर के नाल टच च रहना ही पैना है। हुण पंजाब सरकार ने नंबर ऑफ वैकेंसीज कढ़िया हुई हैं, सानू चाहिए कि असी दिन रात मेहनत करके उन्होंने एक वैकेंसी ले लीए। बस एक ही चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए होंगी, बस एक ही। अज की वीडियो दे विच असी चार पांच टॉपिक ही कवर करांगे, ज़्यादा नहीं करने, चार पांच जिहड़े कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो इन्हां विचों पंजां विचों लाओ, मैं पांच दे पांच नहीं कहिंदा, पंजां विचों एक क्वेश्चन आ जाणा, वो आ गया। तुसीं मैनूं ही थैंक्स कहोगे बाद चो कि थैंक यू सर, तुसीं पढ़ाया सीगा उहदे विचों ही क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना। सब तो पहला जिहड़ा आपां मतलब करंट अफेयर डिस्कस करांगे, वो तुसी एक लाइन सुनी होनी है, इनोवेशन फॉर यू। जेडे तो सीरियस आ वो तो जरूर सुनी होनी उन्होंने, जेडे हजे नवे नवे लगे आ कि चलो तैयारी कर लीए पेपर की, फिर उस तो बाद जो ना बनो की गल फिर देख लेंगे हो कि, पर जे लगे आ तो फिर दिलों लग जाओ एक बार। इनोवेशन फॉर यू सुनीए, जे सुनी है तो कमेंट के दसो, जे नहीं सुनी तो मैं दस। इनोवेशन फॉर यू एक काइंड की रिपोर्ट आ, रिपोर्ट वो एक डिजिटल रिपोर्ट आ, डिजिटल बुक आ एक तरह की। वो बुक के लिखिया की आ, बुक के सक्सैस स्टोरीज आ, का दियाँ सक्सैस स्टोरीज आ, वो सक्सैस स्टोरीज आ जिन्हां ने अपने बिजनेस शुरू किए आ। एम का नाम सुने, एम अटल इनोवेशन मिशन काफ़ी न्यूज़ के रहा, 2016 के लॉन्च किया गया सगा, यह बहुत न्यूज़ के रहा सगा, तो हुण भी न्यूज़ के नीति आयोग ने 2016 नू एक एम नाम का मिशन शुरू किया, अटल इनोवेशन मिशन। ये करते की है, ये एंटरप्रेन्योरशिप ते स्टार्टअप्स नू प्रमोट करते हैं, ये स्कूलों के कॉलेजेस के यूनिवर्सिटीज़ के अपने प्रोग्राम लॉन्च करते हैं, उन्होंने गाइड करते हैं, या जिहड़े यंग माइंड आ यंग पीपल आ कि वो अपना बिजनेस कितना स्टार्ट कर सकते हैं, उन्होंने असिस्टेंस देंगे, बहुत तरह की असिस्टेंस है। आप ये नहीं पैना, अपना सिर्फ टॉपिक आ कि रिपोर्ट के है कि यह रिपोर्ट के सक्सैस स्टोरीज आ कि दियाँ जिन्होंने अटल इनोवेशन मिशन के अंडर स्टार्टअप शुरू किए हैं, तो बहुत ही वड्डे लैवल दे नाल सक्सैस होए है, ठीक है। हुण इस न्यूज़ दे नाल रिलेटेड जो क्वेश्चन आवे तो वह किदां दा आऊगा, इनोवेशन फॉर यू इज़ अ डिजिटल रिपोर्ट रिलेटेड टू विच प्रोग्राम, कोई भी ऑप्शन दे सकते हैं। सो तुहानूं पता हो किहड़े प्रोग्राम नाल लॉन्च आ, सॉरी रिलेटेड आ, वह हैगी एम दे नाल अटल इनोवेशन मिशन, जो कि 2016 दे विच लॉन्च किया गया सीगा बाय नीति आयोग, ठीक है जी। सैकेंड क्वेश्चन की आ सकता वा, इनोवेशन फॉर यू इज अ डिजिटल रिपोर्ट इज लॉन्च्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, सो उहदा आंसर की है, नीति आयोग, ठीक है जी। सो आपां पहला टॉपिक आ जिहड़ा वह कवर कर लिया। हाँ जी, साडा नैक्सट टॉपिक आ जो वो हैगा रिलेटेड टू IEA। हुण IEA की फुल फॉर्म की हुई, IEA की फुल फॉर्म आ इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। ये न्यूज़ दे विच क्यों आ, इन्होंने इंडिया नू इनवाइट किया है कादे वास्ते, मैंबर बनने वास्ते। इंडिया एक दुनिया के तीजे नंबर ते कंट्री आ जो कि
सब तो ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं। एनर्जी डिफरेंट टाइप की हो सकती है, चाहे पेट्रोलियम है, कोल एनर्जी है, किसी भी तरह की एनर्जी है, उन्हों ये कंज्यूम करते हैं। सो उन्होंने इंडिया को इनवाइट किया है कादे वास्ते, मैंबर बनने वास्ते। इंडिया मैंबर है पर फुल टाइम मैंबर नहीं है, वो सिर्फ तो सिर्फ एसोसीएट मैंबर है। ठीक है जी, अगे आ गया जी, इंडिया वो मैंबरशिप को असैप्ट करता पाया, हजे उन्होंने इनवाइट किया, जे इंडिया वो असैप्ट करता पाया, एक कंडीशन पूरी करनी पैनी उन्होंने। कंडीशन की है, इंडिया के कोल जे वो मैंबरशिप असैप्ट करे तो वो कोल 90 डेज का स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व होना चाहिए, 90 डेज का स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व होना चाहिए, ताकि जे बाई चांस सप्लाई बंद भी हो जाए ऑयल की, ठीक है जी, सप्लाई बंद भी हो जाए तो फिर भी इंडिया अपनी कंट्री नू, मतलब जी इंडियन गवर्नमेंट आ वो पूरी कंट्री जी रिक्वायरमेंट आ 90 दिन तक चलाई जा सके, 90 दिन तक पूरी कर सकन। एट प्रेजेंट इंडिया तो कितनी है, सिर्फ 9.5 डेज तक, इस तो ज़्यादा नहीं वो कर सकता, 9.5 डेज तक ही अपनी कंट्री की रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकता। बट जो मैंबर बनता पाया IEA का, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का, तो फिर उन्हें रिक्वायरमेंट पूरी करनी पैनी है 90 डेज की। ठीक है जी, सिंपल जी टॉपिक है, यदा आप थोड़ा जहा डिस्कस कर लें कि IEA है कि IEA एक इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है जो कि 1974 दे विच स्थापित की गई सी। ठीक है, विद इन अ फ्रेमवर्क ऑफ OECD। OECD की है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डिवेलपमेंट। ठीक है, कि रिस्पोंस दे विच कि जे ऑयल बैन लग जाए, कि ऑयल की सप्लाई दूसरी जिहड़ी कंट्रीज ऑयल प्रोड्यूस कर दी हैं, जे ऑयल सप्लाई करन तो बंद कर देनी, या कोई भी इदां दी प्रॉब्लम आ जाए कि ऑयल सप्लाई बंद हो जाए, वो बिहाफ से इन्होंने इंटरनेशनल एजेंसी एनर्जी एजेंसी शुरू की थी 1974 के। ठीक है, ये 30 मैंबरस के नाल शुरू की गई सी, 30 मैंबरस ही है ये हजे भी, तो 8 एसोसीएट मैंबर। ठीक है जी, सो ये क्वेश्चन की बनता है कि IEA ने किहड़ी कंट्री नूं इनवाइट किया है फॉर फुल मैंबरशिप, वो हैगा है इंडिया। दूजा क्वेश्चन की बन सकता है ये कि इंडिया, जे इंडिया का मैंबर बनता पाया वा तो वो जी स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व की कंडीशन आ, वो किन्ने डेज की है, वो 90 डेज की है, प्रेजेंट कि 9.5 डेज की। ठीक है जी, नैक्सट टॉपिक आ कि सॉरी नैक्सट जो क्वेश्चन बनेगा वह बनेगा कि कदों एसटैबलिश होया सी 1974 के। मैंबरस किन्ने 30, एसोसीएट मैंबरस किन्ने 8। हाँ जी, जो साडा थर्ड टॉपिक आ रिलेटेड टू करंट अफेयर, वो हैगा जी अर्थ शॉर्ट प्राइस। अर्थ शॉर्ट प्राइस की, अर्थ शॉर्ट प्राइस ये ऑस्कर सुने ना तुसी, ऑस्कर वो कहदे विच दित्ता जांदा, इन द फील्ड ऑफ सिनेमास एंटरटेनमेंट दे विच दित्ता जांदा है, सब तो वड्डा अवार्ड ऑस्कर कहंदे आ, ये सब तो वड्डा है। उदा ही अर्थ शॉर्ट प्राइस आ जो कि एक उन्हों इको ऑस्कर भी किया जाता है, मतलब आप कह लीए इको ऑस्कर, इको रिलेटेड टू एनवायरमेंट, रिलेटेड टू एनवायरमेंट दे विच जिहड़ा ऑस्कर प्राइज आ उन्हों अर्थ शॉर्ट प्राइज किया जाता। ये न्यूज़ दे विच क्यों आ, रीसेंटली इंडिया की एक कंपनी टकाचर, ये वन ऑफ द 5 विनर्स दे विचों एक, जिहड़ा अर्थ शॉर्ट प्राइज आ 2021 ही लॉन्च हो 2030 दे विच तक चलना है, उदों तक चलना। इन्होंने हरेक साल 5 विनर यानी कि 5 कैंडीडेट कह लो या कोई भी कह लो ऑर्गेनाइजेशन कह लो, उन्होंने चूज करना है तो उन्होंने अवार्ड देना है, जिन्होंने क्लाइमेट चेंज के उपर वर्क किया है या जिन्हों की कंपनीज आ जिहड़ियां वो वर्क कर रही हैं, मतलब अपने वो प्रमोट कर रही हैं, अपने आपको एस्टैब्लिश कर रही हैं, बट इनवायरमेंट को ध्यान में रखते हुए, सस्टेनेबल गोल्स को ध्यान में रखते हुए उन्होंने यह अवार्ड दिता जाऊगा। तो जी टकाचर कंपनी है वो इंडिया की कंपनी है,
ਤੇ ਉਹ ਵਰਲਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਵਾਰਡ ਆ ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਸ ਵਿਲੀਅਮ ਤੇ ਰਾਇਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 5 ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਵਿਨਰਸ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਗੋਲਸ ਆ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ 2030 ਤੱਕ ਅਚੀਵ ਕਰਨੇ ਆ UN ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਗੋਲਸ ਜੋ ਕਿ 2030 ਤੱਕ ਅਚੀਵ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਆ 17 ਗੋਲਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਯਾਨੀ ਕਿ 5 ਗੋਲਸ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਥ ਸ਼ੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਉਹ 5 ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਕੀ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਜੀ ਕਲਾਈਮੇਟ ਐਕਸ਼ਨ ਦੂਜੀ ਆ ਵੇਸਟ ਫਰੀ ਲਿਵਿੰਗ ਤੀਜੀ ਆ ਓਸ਼ਨ ਰਿਵਾਈਵਲ ਚੌਥੀ ਆ ਏਅਰ ਕਲੀਨਨੈਸ ਅਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਆ ਰਿਸਟੋਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਨੇਚਰ ਜਿਹੜੀ ਟਕਾਚਰ ਕੰਪਨੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ ਏਅਰ ਕਲੀਨਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਣਦੇ ਆ ਉਹ ਬਣਦੇ ਆ ਕਿ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਜੇ ਟੋਪਿਕ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਊਗਾ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਈਕੋ ਓਸਕਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਈਕੋ ਓਸਕਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਅਰਥ ਸ਼ੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਕਦੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਣਾ ਆ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵਿਨਰਸ ਕਿੰਨੇ ਆ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵਿਨਰਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ 5 ਚੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਆ 21 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੋਪਿਕ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਆ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਫੋਕਸ ਕਰ ਲਈਏ ਆਪਣਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਰੈਕ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਲੇਟੈਸਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਲੇਟਿਡ ਟੂ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ ਥੈਂਕ ਯੂ